बच्चे धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं गुंजराम। चलिए अब बेटा, हमने जो कल आपसे डिस्कशन किया था कि बेटा दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक सर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रांग और एक होता है वीक। तो बेटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले केस वन में बात कर रहा हूँ, केस वन वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद सी फोर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके अंदर बेटा एक बात हम आपसे, ये आ गया ऐसे, ये बेटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में जब मैंने, और कल बेटा हमने एक चर्चा की थी यदि आपको याद होगा आदित्य सिंह, कल बेटा मैंने एक बात कही थी आपको कि कंसंट्रेशन से हमारी मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, बताओ बेटा। हेलो, हाँ भाई आदित्य, मैंने कल एक फार्मूला बताया था, लैम्डा एम इजकल टू कापा इंटू 1000 बाई एम, और मैंने कहा था जब मैं डाइल्यूशन करूँगा तो डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कापा जो है कापा डाइल्यूशन करने से ये भी कम हो जाती है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, यदि ये कम हो रहा है तो ये फैक्टर बढ़ रहा है, और ये पूरा फैक्टर बढ़ने का मतलब लैम्डा बढ़ना चाहिए और इसे घटना चाहिए। तो हम क्या, मैंने क्या कहा था इस केस को, यस आदित्य अपेक्षा क्या बताया था बेटा मैंने कल जो डिस्कशन हुआ था वो क्या बताया था सर, आपने इसमें बताया था कि जो कापा वाला एलिमेंट होता है वो कम डोमिनेंट होता है। हाँ राइट, ये लेकिन ये बात हमें पता चली एक्सपेरिमेंटल डेटा से, जो मोलरिटी वाला फैक्टर डोमिनेंट होता है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन को यदि मैं कम कर दूंगा, या कंसंट्रेशन को मैं यदि मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी थोड़ी देर के लिए, यदि मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये यदि इसको मैंने बढ़ाया तो ये पूरा फैक्टर डाउन हो जाएगा, तो ये भी डाउन आ जाएगा इस तरीके का। और हम क्या करते हैं इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेशन से यदि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, जैसे ए यहाँ ये C1 डाइल्यूशन पर है, ये C2 डाइल्यूशन पर है, तो वेरिएशन होता है, बहुत कम होता है, लेस वेरिएशन, ठीक है। इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। हेलो, हमने यहाँ पर आपको एक इक्वेशन है बेटा, डिबाई, हाँ बेटा हक्कल ओन सागर इक्वेशन, हेलो, हाँ आफ्टरनून बेटा, अरे 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 रुको, वो करना किसी और को था, कोई बात नहीं अभी करता हूँ बेटा। एक मिनट, आफ्टरनून बेटा, चलिए बेटा अभी, तो
अब बेटा इसके अंदर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, ये C1 और C2। हेलो, हाँ अंतरिक्ष, हाँ तुम, मैंने लिंक भेज दिया बेटा आपको। अभी C1 और ये C2। अब बेटा इसमें डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन है, डिबाई हकल HUCKEL हकल ओनसागर इक्वेशंस, और ये है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस बी रूट सी। ये बेटा दबाई हकल ओन सागर इक्वेशन है। अब जरा इसमें देखिए बेटा, लैम्डा एम क्या है? ए लैम्डा एम, लैम्डा एम का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, एनी डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। लैम्डा इनफाइनाइट जो है ये क्या बेटा? हाँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। और सी कंसंट्रेशन होती है और बी कांस्टेंट है बेटा। यस सर, बी कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ ठीक कि इसके अंदर बेटा हम दो चीजें कंसीडर करते हैं कांस्टेंट, तो विच टेक इनटू अकाउंट विस्कोसिटी, विच टेक इनटू अकाउंट विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चलिए अब बेटा एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है, जैसे केस सेकंड, अब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे आपका अमोनिया है एटसेट्रा, ये है। तो ऐसे केसेस में हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस ढंग से आता है। ऐसे ऐसे ग्राफ आता है, मतलब ये हो गया लैम्डा एम और ये हो गया रूट सी। ये फॉर्मिक एसिड के लिए मान लो मैंने खींचा, ये एसिटिक एसिड के लिए खींचा है, तो हमें मालूम है कि ये देखिए एक ही कंसंट्रेशन पर किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, फॉर्मिक एसिड, यानी कि जो स्ट्रांग होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड जो स्ट्रांग होता है उसका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है। तो यहाँ फॉर्मिक एसिड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, और जो आपका एसिटिक एसिड है मतलब स्ट्रांग तो नहीं कह सकता मैं इसको, स्ट्रांग इलेक्ट्रोड विद कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में फॉर्मिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रांग है, दोनों ही वीक, बोथ आर वीक, दोनों ही वीक, लेकिन कंपैरेटिवली ये स्ट्रांग है। अब बच्चे कहते हैं सर जैसे आपने क्या किया था कि एस्ट्रा प्लोटेशन की मदद से इसका इनफाइनाइट निकाल दिया था स्ट्रांग का, क्या तुम इसका भी निकाल सकते हो? नहीं बेटा, इसमें तो एक्स्ट्रा पोलोटेशन होता ही नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा पोलोटेशन नहीं किया जा सकता, इसमें तो रेक्टेंगुलर ग्राफ बनता है, तो इसका एक्स्ट्रा पोलोटेशन के जरिए हम लोग इस ये कह सकते हैं बाय दिस ग्राफ, बाय दिस ग्राफ We cannot calculate lambda infinite because this
एक्स्ट्रा प्लोटेशन प्लोटेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा प्लोटेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए आप ऐसा कर नहीं सकते। चलिए तो बेटा, अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, हमें आपकी बात समझ में आ गई कि हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ की मदद से वी इनफाइनाइट एसिटिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी बेटा मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, जबकि मैं HCl के लिए बेटा मोलर कंडक्टिविटी, यदि मैं मोलर कंडक्टिविटी किसका बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HCl की निकालूं तो ये निकाली जा सकती है, क्योंकि ये स्ट्रांग है लेकिन वीक की नहीं निकाल। तो बच्चे कहते हैं चलो सर हमने मान लिया कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की मदद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें तो चाहिए, वो डेटा चाहिए इसका, तो हम कैसे करें। अब ये एक बड़ी समस्या थी, इसका समाधान किया गया। हाँ बेटा, इस चीज़ को भी बेटा किस तरीके से समाधान किया गया, इसको किया कोलार्श ने सॉल्व की इस प्रॉब्लम को, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि जिस समय हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को, मान लो आपके पास एक मोल इलेक्ट्रोफाइट है, इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक एसिड है, और उसको समुंदर जितने पानी में डाल दोगे तो फिर तो बेटा पॉसिबल है कि वो पूरा पूरा आयनाइज हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये, तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो इनकी भी होती है, लेकिन इनको कैलकुलेट कैसे करें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है कोलार्श लॉ। कोलार्श आर चलिए कोलार्श लॉ। अब ये कोलार्श लॉ क्या है, अब जरा इसको समझिए बेटा, कोलार्श लॉ को समझिए। इसने ना ये कहा कि, मतलब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो किसी कंपाउंड की, कोई आयनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड की जो मोलर कंडक्टिविटी है, उसके जो आयन्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। मतलब ये कि ई हर आयन की अपनी एक स्पेसिफिक, यानी कि ये देखो ए, मान लो हमने ये कहा कि ये ए बी है, ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव इज इक्वल टू इसकी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी ए की, ए पॉजिटिव की प्लस इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, ये वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर अच्छा चलो ये बताओ सी बी होता तो उसकी कितनी होती, मैंने कहा उसकी ऐसे हो जाती, मतलब जेड प्लस वाई, ठीक। एक बच्चा मुझे कहता है चलो सर ठीक है, हमने ये बात भी आपकी जो बात है वो भी हमने आपको समझ लिया। अब उसने कहा कि सर ऐसा हुआ, कौन सा बेटा ठीक है बी है बेटा, ये बी है ना बेटा, बी हो जाएगा ना। अब बच्चे कहते हैं सर आपने यहाँ पर भी इसकी वैल्यू वाई ली और यहाँ भी वाई ली, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हर आयन की अपनी एक स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो किसी के एसोसिएशन में चेंज नहीं होती, वो बदलती नहीं है, वो वही की वही रहती है, ठीक है। बल्कि इसको उन्होंने ऐसे समझाने की कोशिश, कोलार्श ने इस बात को ऐसे बताया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन फाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डायलूट डिसोसिएटेड, सॉरी 100% डिसोसिएटेड एंड आयन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, बेटा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट
फ्रॉम ईच अदर सो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी conductivity of any electrolyte will be equal to summation of limiting equivalent conductivity conductivity of cation and anion. ठीक है, अब जरा इधर देखिए बेटा, इस चीज को मैं कैसे, लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये किसी बेटा इलेक्ट्रोलाइट की है और इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है ए बी इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट बी निगेटिव, कि जो कैटायन है और जो एनायन है, हाँ भी दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम टोटल कंडक्टिविटी के बराबर होता है। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए, जो बच्चे अब से होमवर्क नहीं करेंगे मुझे बेटा मजबूरन उनको ग्रुप से हटाना पड़ेगा, तो सब बच्चे सुन लें, जो भी आपके पास असाइनमेंट आए आपने उसे कंप्लीट करना है। जिस दिन आप कंप्लीट नहीं करेंगे उस दिन आपको ग्रुप से बाहर निकालेंगे, आपको जो मैसेज मुझे भेजना होगा अलग से भेजूंगा। तो जो भी बच्चों को बेटा मैंने आज ग्रुप से बाहर किया था वो समझ लें उनकी वजह ये थी कि उन्होंने किसी ने भी बेटा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। जो पिछली असाइनमेंट में चेक कर रहा था बेटा इनके कंप्लीट नहीं थे। चलिए बेटा, इसके बाद बेटा अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम। अब एक बच्चे ने मुझे ये कहा कि सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि किसी की हमें मोलर कंडक्टिविटी दी हो तो क्या हम उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं? तो मैंने आपको दो दिन पहले एक फार्मूला भी पढ़ाया था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन इंटू इक्विवेलेंट और एन फैक्टर जो होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? हाँ बेटा, सबको समझ में आ रहा है? हेलो, चलिए NaCl के अंदर n फैक्टर की वैल्यू एक है, MgCl2 में n फैक्टर कितना है? दो। इसका दो है, MgCl2 का दो है और Al2SO4 होल थ्राइस का n फैक्टर जो है वो 6 है। जितना चार्ज होता है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव उसके एन फैक्टर के बराबर होता है। चलिए बेटा अभी एक मिनट, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं आपको साथ साथ बेटा वो क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बाद हम आगे चलें। चलिए ये देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन इस समय आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। हेलो, हाँ भी देखना बेटा सब बच्चों की स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया क्या? यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए और मैं साथ साथ बेटा इसको सॉल्यूशन भी करूंगा। बात सबसे पहले उसने लिखा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम ब्यूटायरेट, बेटे सोडियम ब्यूटायरेट का फार्मूला ये होता है, इसे कहते हैं सोडियम ब्यूटायरेट और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला ये होता है।
ठीक है, इन सब की बेटा हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैंने एक फार्मूला लिखा, क्या 83 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डाइल्यूशन पर। सर 83 है। हाँ वही, अभी अभी करता हूँ। ये है एसिटिक एसिड ब्यूटाइरेट, ये 83 है, 83 ये है आपके पास ब्यूटाइरेट बस, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सोडियम, इक्वेशन नंबर एक। समझ में आ रही है क्या? यस सर। अब उसने सर एक बार रिपीट कर दीजिए बेटे, सोडियम ब्यूटाइरेट की दे रखी है ना, तो सोडियम ब्यूटाइरेट में एक कैटायन, तो ये एनायन हो गया, ये कैटायन हो गया, कैटायन की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों का सम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है, और वैसे भी इन दोनों की कंडक्टिविटी का सम टोटल के बराबर होगा। फिर बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें एक और दिया हुआ है NaCl का, तो उसमें मैंने ऐसे लिख दिया लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, इक्वेशन नंबर दो, ये है 127। फिर एक बच्चा मुझे कहता है कि सर 426 दे रखा है, किसका? HCl का। तो ठीक है, सो 426 इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट, ये सब बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है बेटा, इक्विवेलेंट सब इक्विवेलेंट दे रखी है। अभी सब एक एक करके सारे हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये Cl, उसने कहा कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ब्यूटायरिक एसिड, अरे भाई ब्यूटायरिक एसिड तो वीक होता है, तो उसका हम ग्राफ से तो नहीं निकाल सकते। अब देखो मैं कैसे निकालूंगा, तो ऐसा करता हूँ ब्यूटायरिक एसिड को ऐसे लिख देता हूँ लैम्डा इनफाइनाइट ब्यूटरेट आयन, हाँ बेटा ये हो गया ब्यूटरेट आयन, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एच आयन, एच आयन इज इक्वल टू के, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम जो होगा, अब के निकालना है मुझे। अच्छा एक काम करो, ये वाली इक्वेशन जो आप नीचे देख रहे हो चार नंबर इक्वेशन को, यदि मैं आपसे कहूं कि आप ऊपर की तीन इक्वेशन की मदद से इक्वेशन नंबर चार बना लो, तो बना सकते हो क्या? यस सर। आप कैसे करोगे? इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री को ऐड करके उसमें से टू को सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सर। हाँ भाई, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन प्लस थ्री माइनस टू, तो ये कितना आ जाएगा? वन का मतलब 83, थ्री का मतलब 426 माइनस 127, तो कितना हो जाएगा बेटा ये? हाँ 382, ये आंसर आ जाएगा 382, शायद यही आएगा 382। ठीक है, अब चेक करो इसका आंसर कितना है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आई है? नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराया बेटा मैंने। एक मिनट, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अब तुम जरा एक मिनट, एक मिनट मैं देखता हूँ बेटा कोई और क्वेश्चन मुझे मिल जाए। ठीक है, मतलब बहुत बाकी क्वेश्चन सारे ही कराने, देखना मेरे बेटा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर जो है, क्या तुम इसे कर सकते हो? हाँ जरा सब बच्चे करना, जरा जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। हेलो, यस सर, तो क्या आंसर आएगा? 91 इज इक्वल टू लैम्डा एसीटेट आयन प्लस लैम्डा सोडियम आयन, सही है क्या? यस सर। दूसरी इक्वेशन 426 लैम्डा एच पॉजिटिव लैम्डा सीएल नेगेटिव इनफाइनाइट। तीसरी इक्वेशन 391 लैम्डा, हाँ बेटा एसीटेट प्लस लैम्डा एच आयन,
अब आप क्या करें बेटा, इक्वेशन आपको ये बनानी है, लैम्डा एन ए पॉजिटिव और लैम्डा सी एल निगेटिव, बेटा ये इक्वेशन बनानी है। ये बनाई जा सकती है कैसे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के थर्ड को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, फर्स्ट सेकंड जोड़ दूँ तो 426 प्लस 91 माइनस 391। हेलो हेलो हाँ भी जी सर, तो कितना आंसर आ जाएगा? 126। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है, बच्चों ने अच्छा आंसर दिया बेटा, शाबाश। तो ये बताओ तुम्हें अब बेसिक समझ में आया है नहीं आया? हाँ भी क्लियर, चलिए। अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, ये जो बेसिक सा आइडिया आपने दिया हमें, ये समझ, मैंने आपसे बेटा जो फार्मूला बनाया वो मोलर कंडक्टिविटी वाला नहीं बनाया, मैंने आपसे फार्मूला जो बनाया इक्विवेलेंट वाला, क्योंकि वहाँ पर क्या जो फार्मूला मैंने लिखा था ना बेटा, ये एक बच्चे ने कहा सर जब आप पढ़ा रहे थे तब तो आप मोलर बोल रहे थे, ये देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये लिखा था यहाँ पे, ये मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि बेटा इनकी इक्विवेलेंट और मोलर आयन की कंडक्टिविटी बराबर, इसलिए यहाँ पे फार्मूला, वैसे ये हमेशा कोलार्श ने जो फार्मूला दिया था इक्विवेलेंट के लिए दिया था, ठीक है, मोलर के लिए तो बाद में हम लोगों ने इसको ड्राइव किया, अब करूँगा बेटा आगे। अब एक बच्चा मुझे कहता है चलो सर ठीक है, हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ रही हैं। ऐसा हुआ, उसने क्वेश्चन दिया मुझे करने के लिए, अब जरा सुनो बेटा, अब मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ और सभी बच्चे बेटा वो डेटा को देखें। उसने कहा सर ऐसा है, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी अमोनिया, ये दिया है 200, यूनिट है, हाँ बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दूसरा लैम्डा इनफाइनाइट मोलर Al प्लस 3, ये वैल्यू दी है 300। एक और दिया डेटा, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर सल्फेट, ये है 125। उसने कहा कि ऐसा है, हमें आप इसी इन डेटा की मदद से लैम्डा, हाँ बेटा, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Al2SO4 होल थ्राइस की बताओ। बच्चे कहते हैं सर आपने तो हमें मोलर दे रखा है, मैंने कहा बिल्कुल मोलर दे रखा है, और मैं तो आपसे इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ ए इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए बेटा शुरुआत करो, सब बच्चे बेटा थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ तो धीरे धीरे करके बेटा ये टॉपिक आज खत्म करना है बेटा किसी भी तरीके से, ठीक है। अब नया चैप्टर आपके यहाँ शुरू करेंगे, आपके यहाँ सरफेस केमिस्ट्री है करके फिर आपके यहाँ पूरी फिजिकल खत्म हो जाएगी। मैं करूं या आप करोगे? हेलो करें। चलो अब बच्चे कहते हैं सर आप ये पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट, तो इसका तो फॉर्मूला ये होता है। मैंने कहा हाँ, ये मैंने कहा हाँ होता तो यही है, लेकिन कह रहे कि सर आप बात तो सही है, आप फार्मूला यही होता है इसका, इससे हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि यहाँ नंबर कितना है, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम सिर्फ उनकी इक्विवेलेंट कंडक्ट जो लेते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी लेते हैं उनका जोड़ कर देते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो आपने मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप इस मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में चेंज कर लो, 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यहाँ कितना बेटा ये दिया है, कितना बेटा ये आपका आपको दिया है क्या है मोलर, और मुझे निकालनी है इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट हो जाएगी 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। अब बच्चे सर सर ये कहाँ से कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया बेटा, मैंने तुम्हें दो रोज पहले आपको शायद सिखाया था, बताया था नहीं बताया था, हेलो आज ही तो बताया। यस सर। और इसका एन फैक्टर कितना है, 3, तो 3 तो ये से निकालने के 3 से डिवाइड 100 आ गया, इसमें आप क्या हो जाएगा 60, सही है क्या? हेलो
हाँ भाई। सर। तो अब बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर क्या आ जाएगा। मैंने कहा इसका आंसर आ जाना चाहिए कितना, ये कितना बेटा, ये कितना निकाला आपने एल्युमिनियम का, 100, 100 लिख दो। ये कितना लिखा, 60, 60 लिख दो, 160 आना चाहिए। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल, सही या गलत। हेलो, हाँ भाई, हेलो, यस सर, सबको समझ में आ गया। अरे समझ यस में, सर, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। अब एक बच्चे ने कहा चलो सर ठीक है, यदि हमें हमें अमोनियम सल्फेट का निकालना तो कैसे करेंगे। हेलो, अमोनियम सल्फेट का, चलो करके दिखाओ सब बच्चे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का कितना होगा। देखो अमोनियम नहीं, अमोनियम का तो हमने ये लिखा है, ये रहा। अमोनियम का कितना बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 200, और सल्फेट की कितनी, 60, 260 आ जाएगी। वेरी गुड समरथ, सही है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हें बेसिक समझ में आया है, अभी और मेहनत करनी है इसके ऊपर। हेलो सर, आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा हुआ एक, अभी एक मिनट, थोड़ा सा चीज़ें और आपके साथ शेयर कर लें। अब ये Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इस कंपाउंड की दी हुई है एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें ये चीज़ पता नहीं है, बताओ कितने बच्चे इसका आंसर बता देंगे। हेलो हेलो, इसका आंसर आ जाएगा आंसर इज एक्स बाई सिक्स। श्रुति का तुम्हारा आंसर सही है सिर्फ, इसका आंसर है एक्स बाई सिक्स। अरे भाई कैल्शियम सल्फेट है ना, तो कैल्शियम कितने, दो, तो एन फैक्टर यहाँ 6 आ गया ना, 6 पॉजिटिव चार्ज आ गया। हेलो हेलो जी सर, 6 आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, आपको पता ही, आपको कैसे नहीं, बस चलो। अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, यहाँ भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको भी हमने पार कर लिया। अब उसने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया कि सर ये इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम आयन, ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फॉस्फेट, फॉस्फेट बी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैल्शियम फॉस्फेट, ये बताओ। कितनी होगी, इसको बता, दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। हेलो यस सर, ये बेटा इसकी मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो आएगी इसकी ए बाई टू। हेलो हेलो यस सर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ए बाई टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और ये कितनी हो जाएगी बेटा, बी बाई, हाँ बेटा, 3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी। हेलो, तो अब बेटा हम इसकी लैम्डा इनफाइनाइट कैल्शियम फॉस्फेट बस इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है। ए इक्विवेलेंट आंसर ए बाई टू प्लस बी बाई थ्री। बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, तो लैम्डा मोलर इनफाइनाइट कैल्शियम फॉस्फेट कितनी हो जाएगी।
मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। क्योंकि इसका इन्फेक्टर कितना है, ठीक है। अच्छा बच्चे कहते सर ये तो आपने कुछ लंबा ज़्यादा ही मेथड बड़ा बड़ा सा कर दिया। देखो बेटा दूसरा तरीका सुनो, दूसरा पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, 3a + 2b, यही तो आ गया सिंप्लीफाई करके। मतलब क्या है, अब देखो इसका फार्मूला, फार्मूला ये बेटा है, इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि टोटल ए ए ए हाँ बेटा ए मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए मोलर कंडक्टिविटी ए कितना बेटा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स हाँ बेटा ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी बेटा मोलर वाई इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट बी माइनस एक्स ऐसे भी कर सकते हैं। यदि मोलर कंडक्टिविटी दी है तो उन आयनों की संख्या से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हाँ भी क्लियर। चलिए अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है ये तो कैलकुलेशन समझ में आ गई, ये इधर देखो हमने लिखा Al2SO4 होल थ्राइस लैम्डा इनफाइनाइट हाँ बेटा मोलर एल्युमिनियम ए लैम्डा इनफाइनाइट मोलर जरा ध्यान दे रहा बेटा सल्फेट ये है बी तो लैम्डा इनफाइनाइट मोलर Al2SO4 होल थ्राइस बस ये सॉल्व करके मुझे बता दीजिएगा फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँगा। जल्दी करना जरा, मैं करूँ या अपने आप कर रहे हो बोलो? कर रहे हैं। हेलो सही है यही निकाला क्या? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। यस बस ठीक है बेटा मैं अब थोड़ा सा बेटा अब यहाँ पर ठीक है इस तरीके से बेटा हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अब बेटा एक मुश्किलात हमारे सामने आती है ठीक है। अब ऐसा हुआ कि अब हम आपको एक एप्लीकेशन दे रहे हैं इसका डिटर्मिनेशन ऑफ मिनेशन ऑफ अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके ऐसा हुआ कि ये कैसे सॉल्व करें तो बेटा मुझे ऐसा हुआ लैम्डा हाँ बेटा लैम्डा एम वी डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड का दिया हुआ है एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन साइमन अब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड का ये दिया हुआ है ए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मुझे बताइएगा कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड के ए और इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बेटा मैं इसको कैसे सॉल्व करूं
तो मैंने क्या सवाल ऐसे किया, सी एच थ्री सी ओ ओ एच इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ ओ निगेटिव एच पॉजिटिव। हाँ बेटा समझ में आ रहा है? हेलो, तो हमने ये देखा कि जब टाइम जीरो था उस समय इसकी कंसंट्रेशन सी थी, ये जीरो था, ये जीरो था, ठीक है। जब टाइम टी बीत गया तो ये हो जाएगा सी वन माइनस एल्फा सी एल्फा सी एल्फा, ओके। और जब टाइम इनफाइनाइट बीत गया तो ये जीरो हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया। समझ में आ गया क्या? हेलो, इनफाइनाइट अनंत टाइम के बाद तो हम मान लेंगे कि पूरा ही खत्म हो गया। हेलो, हाँ भाई, हेलो, ये कब है बेटा? बस बल्कि इनफाइनाइट टाइम ना कह के इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह दो, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ डाइल्यूशन इनफाइनाइट पूरा ही डिसोसिएट हो गया, बल्कि ये आप इसके ए मोल ले लो, मोल कर देता हूँ, ठीक है। और ये दिस, और मुझे पता है बेटा लैम्डा जो होता है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन के प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा जब मैं ऐसा कहूँ कि 2a इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम, सही है क्या? जिस समय डाइल्यूशन इनफाइनाइट थी उस समय नंबर ऑफ आयन ये थे, और जब डाइल्यूशन आपकी कितनी थी V, तब नंबर ऑफ आयन कितने थे A अल्फा प्लस A अल्फा, बात समझो बेटा। हेलो, अभी कितने? हेलो, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू, तो आ जाएगा बेटा वन अपॉन टू अल्फा। हेलो, सही है क्या? हेलो, अरे आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर, इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा टू ए, अच्छा ओहो ये भी तो टू ए, मतलब ये भी तो, ये सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो, तो ये दो से दो कॉमन लेके ख़त्म हो जाएगा, वन बाई अल्फा आएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा एम, तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ये डिग्री है, ये अल्फा आ गया। और एसिटिक एसिड के लिए, अभी बेटा मैं क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, अभी दो मिनट आप वेट करें, अभी क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे हम लोग। निगेटिव और ये एच पॉजिटिव, तो यहाँ के बराबर होता है ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, तो के बराबर ए अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ए वी एम का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस लैम्डा एम वी लैम्डा इनफाइनाइट। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? हेलो, यस क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये है दी कंडक्टिविटी, दी कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक
इलेक्ट्रोलाइट, हाँ बेटा, इज 3.3 इंटू 10^-4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर इफ कंसंट्रेशन, ठीक, इफ एट दिस कंसंट्रेशन अल्फा इक्वल टू 0.05, कैलकुलेट लैम्डा इन फाइनाइट एसिटिक एसिड। बताओ कैसे करो। बेटे ये क्वेश्चन कोई बच्चा दी कर सकता है तो बताओ, टाइम वेस्ट मत करना। ये जो वैल्यू दे रखी ये क्या है, मुझे बेटा ये नहीं पता कि ये वैल्यू क्या है, बस आप मुझे ये बता दें ये क्या दे रखा है। दिस इज कापा, ठीक है, और ये आपके पास सी है। तो बेटा लैम्डा वी इज इक्वल टू कापा इंटू सी, कापा इंटू वी, यानी कि यह आ जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। कापा कितना? 3.3 × 10^-4 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन कितना? 0.2 नहीं बेटा 0.02, ठीक है। अच्छा अब ये तो बेटा कापा आ गया, हेलो, तो सॉरी मतलब लैम्डा वी आ गया, बस आंसर निकाल लो। तो ये लैम्डा वी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी, तो मेरे पास अल्फा इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। नहीं समझ में आ रहा, हेलो। अब आपको अल्फा कितना पता है, आपको लैम्डा वी की वैल्यू, इसको सॉल्व करूं क्या? ये आ जाएगा 0.33 अपॉन 0.02, 16.5 बटे लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0.05, 330। हेलो, हाँ बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हेलो, हाँ, यस सर। अब बताओ थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ है या अभी भी दिक्कत है? हेलो, अरे बेसिक समझ में आ गया नहीं आ गया? हेलो, यस सर। चलिए बेटा अब अगले स्टेप पे। अब बेटा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए तुम्हें याद, एक मिनट, सॉल्युबिलिटी, अब बेटा तुम्हें एक रिकॉल कराना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा 11th में। एक टॉपिक होता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए अब बेटा सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा चलो ये बताओ कि जैसे मान लो एक ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी सॉल्युबिलिटी स्मॉल एस है, तो बताओ इसका केस पी कितना होगा? एस स्क्वायर, ओके। अच्छा और मान लो आपका सॉल्ट ये है और सॉल्युबिलिटी इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, के एस पी अभी क्लियर? हेलो, यस, ओके। अब बेटा तुम्हें इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी निकालनी आती, तो बेटा मैं आपसे यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि मैं आपसे कहूँ कि जैसे AgCl है,
ठीक है, AgCl। तो AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसका KSP दिया है 10^-10, मान लो, बस मुझे इतना बता दो। इसका कापा दिया हुआ है X, तो कापा X है ये, तो बेटा इसके लिए लैम्डा, हेलो, इसके लिए बेटा जो लैम्डा M आएगा वो कितना आएगा, मोलर कंडक्टिविटी V डाइल्यूशन पे, मतलब जो भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कितनी आएगी, कापा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, हेलो हेलो, यस सर, सही है क्या? यस सर। अब जरा चीज़ों को थोड़ा बेटा गहराई से समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। शुरू करूं? चलिए, एक सॉल्यूशन है आपके पास। हेलो बेटा, एक मिनट, जितने बैच में बच्चे बैठे हैं, क्या बेटा मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ओके, एक मिनट। अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फोर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ठीक है, ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस कंडक्टिंग ठीक है, सॉरी इसकी है DUA में कंडक्टिविटी और ये वैल्यू है इज 3.4 इंटू 10^-6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड दैट ऑफ वाटर ऑफ वाटर यूज ठीक है, जो वाटर आप यूज कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी जो है ये है 2.02 इंटू 10^-6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ठीक। उसके बाद उसने दिया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेट सॉल्यूशन इज इक्वल टू बेटे जरा ध्यान दीजिए 138 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। करो बेटा इस क्वेश्चन, मैं करूं या आप करेंगे? बेटा देखो बात सुनो, ये जो दे रखा है ना कापा, ये सॉल्यूशन का है और ये पानी का है और हमें तो सिर्फ इसी का कापा चाहिए। तो कापा AgCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू कापा AgCl प्लस कापा वाटर, ये होता है। और मुझे यदि ये चाहिए, ये वैल्यू कितनी दे रखी है जरा बताओगे क्या? हाँ, ये वैल्यू x और पानी कितनी है 2.02 10^-6, तो x कितना आ गया 1.98 10^-1.98 3.8
38, चार है ना ये 38, 1.38 10 टू डी पावर माइनस 6 ओम इनवर्स सेंड इनवर्स। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर क्या दिक्कत थी? लैम्डा AgCl सैचुरेट सॉल्यूशन का कापा गुना 1000 IS, ये कितना दे रखा है? 1.38 10 टू डी पावर माइनस 6 नहीं, ओहो ये कितना दिया हुआ है बेटा? ये दिया हुआ है हमें 3.4 नहीं, ये है 138 is equal to 1.38 into 10 to the power minus 6 गुना 1000 but s, और इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, 5 सीधे सीधे तो 5 ही नज़र आ रहा है। 10 to the power minus 5 तो KSP AgCl is equal to s square बराबर 10 की पावर माइनस 10। मेरी बात समझ में आई या बाउंस हो गई? सर आ गई। आगे समझ में सबको? Yes. तो yes, बेटा अभी लगभग तो खत्म सा ही हो गया, चैप्टर तो खत्म हो गया। हाँ चैप्टर में कुछ खास बचा नहीं है, एक आधी बात। अच्छा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बचा है जो कल मैं पढ़ाऊंगा आपको, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बेटा वो कल के लेक्चर में होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो कल है, और आज असाइनमेंट भेज रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, अब उसे करिएगा। तो सब बच्चे सुन लीजिए बेटा, और जिन बच्चों की बेटा फीस अभी तक जमा नहीं हुई है बेटा वो फीस जरूर अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कुछ बच्चों की जमा नहीं है वो जमा कराएं। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल आपसे, और मैं अभी जो शीट भेजूँ करना जरूरी है, और कल एंट्री इस बेसिस पे दी जाएगी आपको कि यदि आपकी होमवर्क कंप्लीट होगा और आप मुझे सबमिट कर देंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो आपको बिठाएंगे क्लास में, नहीं तो कल के लिए उन बच्चों का पनिशमेंट यही है कि एक दिन के लिए उन्हें उनकी क्लास सस्पेंड कर देंगे, वो वीडियो से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मिलता हूँ कल आपसे। ओके नमस्ते सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।